यस एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड डिकोडिंग बैकग्राउंड के साथ मींस मैं कंप्यूटर ही कंप्यूटर साइंस से आई हुई थी, लेकिन अच्छा मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मुझे कोई दो अलग टेक्नोलॉजी सीखनी है और मुझे उसमें ही आगे जाना है, अच्छा तो मेरा वैसा ड्रीम था। तो फिर मैं ऐसे लुकिंग फॉरवर्ड थी कि कौन सी टेक्नोलॉजी में मेरा करियर बनाना चाहती है। तो फिर मेरे एक दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने ऑलरेडी प्रीमियम लर्निंग ज्वाइन किया हुआ था, उधर से वो प्लेस भी हुए थे। तो फिर मैं उन्होंने से फीडबैक लिया, तो फिर मैंने कैप की इंक्वायरी की, तो फिर मुझे डेमो लेक्चर्स वगैरह उसकी लिंक मिली। फिर मैंने 5 दिन के डेमो लेक्चर्स किए, तो अच्छा फिर मुझे सर की टीचिंग बहुत अच्छी लगी और बहुत कॉन्फिडेंस मेरे में आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, और बहुत मोटिवेट हो गई मैं कि नहीं, मैं मुझे सेल्फ पोस्ट डेवलपर ही बनना है, अदरवाइज मैं मुझे नहीं कर कुछ करना सिर्फ यही करना मुझे अभी। सब्सक्राइब प्रीमियम लर्निंग्स यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू रिसीव अपडेट्स अबाउट वीडियोस फॉर योर करियर ग्रोथ। Hey everyone, a little progress each day adds up to big results. This is Pooja from Premium Learnings and you are watching Aspirers to Inspirers, a series on our successful students who were once aspiring success and today they are inspiring others to be successful. I started with this quote about consistency for the fact that our today's guest is a great example of the same. She chose her path, her mentor. She made her goal crystal clear to her and she kept walking on the path towards it. She had some moments of demotivation. She had some moments of self-doubt. However, she did not stop, for she believed that long-term consistency beats short-term intensity. So in a sense, we don't have to be extreme. We just have to be consistent. Our today's guest's name, Aditi, congratulations on your success and thank you for being here today with us. And you're welcome to thank you. You're welcome to this session. तो आदिति, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन के साथ। आप कहाँ सिलेक्ट हुए हो, आप कब ज्वाइन होने वाले हो और आपका डेजिग्नेशन क्या है? Yes, I'm selected in Vibrate Works at Bangalore. My role is technical specialist. Great. And I have joined in 14th March. Yes. Okay, 14th March you've already joined. Okay, great, great. So you have already embarked on your journey. So congratulations on that. तो आदिति, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके स्टोरी के साथ, ठीक है? आप कुछ बताना चाहोगे कि आपकी बैकग्राउंड क्या थी, आप सेल्सफोर्स की तरफ कैसे मुड़े, कैप का डिसीजन आपका कैसे हुआ और फिर यू नो हाउ डिड यू मेक योर जर्नी सक्सेसफुल? यस एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड डिकोडिंग बैकग्राउंड के साथ मीन्स मैं कंप्यूटर ही कंप्यूटर साइंस से आई हुई थी, लेकिन मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मुझे कोई दो अलग टेक्नोलॉजी सीखनी है और मुझे उसमें ही आगे जाना है। अच्छा। तो मेरा वैसा ड्रीम था, तो फिर मैं ऐसे लुकिंग फॉरवर्ड थी कि कौन सी टेक्नोलॉजी में मैं मेरा करियर बनाना चाहती है। तो फिर मेरे एक दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने ऑलरेडी प्रीमियम लर्निंग ज्वाइन किया हुआ था, उधर से वो प्लेस भी हुए थे। तो फिर मैं उन्होंने से फीडबैक लिया, तो फिर मैंने कैप की इंक्वायरी की, तो फिर मुझे डेमो लेक्चर्स वगैरह उसकी लिंक मिली। फिर मैंने 5 दिन के डेमो लेक्चर्स किए, तो फिर मुझे सर की टीचिंग बहुत अच्छी लगी और बहुत कॉन्फिडेंस मेरे में आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, और बहुत मोटिवेट हो गई मैं कि नहीं, मैं मुझे सेल्फ पोस्ट डेवलपर ही बनना है, अदरवाइज मैं मुझे नहीं कर कुछ करना सिर्फ यही करना मुझे अभी। तो फिर मेरा वो फाइनल डिसीजन था, तो फिर मेरे मेरा पाथ पूरा चेंज कर लिया था कि नहीं मुझे यही करना है, और फिर मैंने कैप कैप में एडमिशन ले ली और फिर मेरे जाने स्टार्ट हुई उधर से। तो फिर डेली सर जो पढ़ाते थे वो डेली मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस डेली हर रोज मैं लाइव लेक्चर करती थी, कभी भी मैं सर का लेक्चर मिस नहीं करती थी। रेयरली मैंने एक दो लेक्चर्स मिस किए होंगे और मैं रिकॉर्डेड लेक्चर कभी देखती नहीं थी, मीन्स लाइव लेक्चर के मैं प्रेपर डेली टू डेली मैं प्रैक्टिस करती थी। सर बोलते थे कि लाइव लेक्चर ही करो, ज्यादा उसके ऊपर आप फोकस करो, फिर पेंडिंग वर्क कुछ नहीं रखो, फिर आपको एक लोड आ जाएगा, तो आपको रोज हर दिन का काम हर दिन ही करना चाहिए। तो फिर सर के बहुत सारे इंस्ट्रक्शन में हर डे सर क्या बोलते थे पूरा फॉलो करती थी, और सर बोलते थे कि केपीए अप्रोच अपने रखना चाहिए, कीवर्ड पर्सपेक्टिव एंड एग्जांपल के साथ आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, उससे ही मैं वो हुई मैं फॉर्मूला में फॉलो करती थी, और खुद के नोट्स और ऑल नोट्स बनाना वो उसके ऊपर भी मैं सर बोलते थे नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स लिखो और पढ़ाई करो। तो फिर वैसा ही मैं फॉलो सब कुछ करती थी, और फिर
मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं अगस्त में अगस्त बैच में ज्वाइन किया था सर का. अच्छा. फिर वो आज से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी प्रीमियम लर्निंग के साथ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो जब आपने डेमो सेशन अटेंड किया तो आपका डिसीजन पक्का हो गया कि आप सेल्सफोर्स ही परस्यू करोगे और प्रीमियम लर्निंग सिस्टम्स के साथ ही करोगे. तो ये डिसीजन पॉइंट पे आप कैसे आए, आपको क्या यू नो भाया, क्या अच्छा लगा ड्यूरिंग द डेमो सेशंस? यस, सर ने जो पढ़ाया डेमो सेशन में वो बहुत एक इंस्पायरिंग था. मीन्स सर ने जो जिस तरीके से सर पढ़ाते थे तो फिर ऑटोमेटिकली खुद में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था. नहीं यार, ये टेक्नोलॉजी नहीं है मेरी साथ, नहीं थी मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे भी कुछ पता नहीं था सेल्सफोर्स के बारे में क्या है. तो सर का जो पूरा पढ़ाने का तरीका और सर ने जो कॉन्फिडेंस दिया था कि नहीं सिर्फ हार्डवर्क रिक्वायर्ड है आपका, बाकी कुछ नहीं रिक्वायर्ड है, तो फिर सिर्फ फॉलो करो मुझे और हार्डवर्क करो. सो मैंने डिसाइड किया यस, मेरे में स्ट्रेंथ है, मैं कर सकती हूँ, मेरे में एबिलिटी हार्डवर्किंग की. सो मैंने डिसाइड कर लिया था खुद के ऊपर कि कॉन्फिडेंस रखा तो नहीं करेंगे, तो यही करेंगे अभी. तो फिर मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया था डेमो सेशन के बाद, मैंने मेरी एडमिशन फ्रीज कर ली थी. तो ये ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रेनिंग्स था, राइट? तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद ऑनलाइन लर्निंग्स? उसके कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स आपको लगे, हाउ वाज इट? यस, ऑनलाइन ट्रेनिंग के एक मेरिट थे कि मींस ऐसा कुछ नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग ही होता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो सर पूरे मींस यस यस पूरे मींस अच्छी तरह से ही पढ़ाते थे. ऑनलाइन भी था लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्यों आता था, जब हम स्टक होते थे और कोई मींस प्रैक्टिस के दौरान कोई प्रॉब्लम हमको आता था तो फिर थोड़ा रीच आउट होने के लिए प्रॉब्लम होता था, लेकिन हम डाउट कम्युनिटी के ऊपर वो हमारे डाउट्स पोस्ट करते थे, फिर कोई इशू सॉल्व हो जाता था. ऐसा कुछ डाउट कम्युनिटी डाउट कम्युनिटी पे इश्यूज सॉल्व हुए. सो क्वालिटेटिव लर्निंग वाज देयर ऑनलाइन आल्सो, नो प्रॉब्लम. ग्रेट ग्रेट टू हियर. राइट. तो एक रैपिड फायर यू नो क्वेश्चंस का राउंड करते हैं, इफ यू आर रेडी फॉर दैट अदिति. ठीक है, एक पहला मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि ये जो आपकी सक्सेस जर्नी है उसमें आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल क्या था? अगर सक्सेस के टुवर्ड्स जर्नी है तो ऑब्स्टैकल्स तो जरूर रहते हैं, आपकी जर्नी में वो क्या था? ऑब्स्टैकल यही था कि नई चीजें है और नई चीज को स्टार्टिंग से हमको ग्रैप करना है और कैसा होगा मेरे से, वो थोड़ा बहुत मन में आता था कि हो सकता है क्या, मैं करने वाली तो हूँ, मेरे तरफ से मैं कोई कम नहीं पड़ने वाली, लेकिन क्या होगा ये थोड़ा डाउट रहता था मन में कि कैसा मैं क्रैक कर सकती हूँ एंड ऑल. सो दैट वॉज मीन्स थोड़े डीमोटिवेट उस वक्त होती थी कभी कभी मीन्स, बट खुद को अगेन चार्ज करती थी, नहीं नहीं हो सकता है, हो सकता है, करते रहना चाहिए, सिर्फ स्टॉप नहीं होना चाहिए इधर ऐसा. तो वही एक सेल्फ डाउट था मीन्स यस थोड़ा था कि कैसा हो पाएगा ये. मीन्स मेरे मैं तो पूरा खुद का 100% मैं देना चाहती थी कि यस मुझे देना ही है और यही करना है, तो कुछ भी मैं कर सकती हूँ, इसलिए पूरा मैंने डिसाइड कर लिया था. यस यस. तो ये रहा ऑब्स्टैकल. आपकी इस जर्नी में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी जिसकी वजह से यू नो इट केप्ट यू पुशिंग और आप आगे बढ़ते रहे? यस यस. सो मेरा एक ही था कि मैं हर दिन का काम हर दिन करती थी. पूरा मैंने एक भी दिन डे वेस्ट नहीं किया. हर रोज पूरा दिन मीन्स मेरा सब कुछ डेली रूटीन होने के बाद मैं पूरा दिन पढ़ाई, सर के लेक्चर्स अगेन एंड अगेन वॉच करती थी, रिकॉर्डेड सेशंस, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली. मैं अभी भी करती हूँ सर के लेक्चर कभी कभी मुझे लगता है तो. यस यस. क्या बात. तो फिर सर के लेक्चर रिकॉर्डेड देखती थी, हैंड्स ऑन करके देखती थी सर जो पढ़ाते थे, और रिपीट में वो ही रिवाइज एंड रिवाइज ऑल दैट सब कुछ चल रहा था. फिर एक मीन्स कभी कभी फेल्योर आया मुझे बहुत बार, लेकिन मैं अगेन मोटिवेट होके मुझ में क्या कम है वो मुझे समझता था उस वक्त कि क्या कम है, मुझे क्या इंक्रीज करना है, मुझ में क्या स्किल बढ़ानी है, क्या नॉलेज मुझे बढ़ाना है. तो फिर मैं उस नॉलेज पर, उस स्किल पर, वो टॉपिक पर मैं वर्क करती थी, सर के अगेन सेशंस देखती थी उस टॉपिक के और एंड ऑल, वो अगेन मैं मेरा नॉलेज एक्सपांड करती थी, फिर नेक्स्ट टाइम मैं उस टॉपिक में कभी कम ना पढ़ू, ऐसा मेरा ये था, डायरेक्शन था.
So consistency was your key. Consistency, yes, yes. I'm working and daily I'm doing lots of things that sir has told us all that. Great, great. Yes. एक misunderstanding जो इस journey के दौरान आपकी clear हुई, ये फिर I'll put it in other words, like जो thought process आपकी change हुई, जो नजरिया आपका change हुआ after you got the success or during this journey. Yes, मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझको failure आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऐसा लगता था. तो फिर मैं थोड़ी demotivate होके एक दो दिन मुझे ऐसा कुछ भी ऐसा लगता था, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा. फिर थोड़ी सी शांत हो जाती थी, तो क्या करना है अभी, तो नहीं तो फिर अगेन मैं बोलती थी नहीं नहीं अभी नहीं, ऐसा नहीं स्टॉप होके नहीं चलेगा, ऐसा क्यों होगा, फिर सक्सेस नहीं मिल जाएगा. तो फिर मैं अगेन खुद को बोलती थी नहीं हो गए करेंगे और डेली बेसिस पर अगेन मैं मेरी जर्नी स्टार्ट करती थी, कुछ पॉज नहीं रहती थी मैं किधर ही. और फिर अगेन फिर सर के लेक्चर देखने का, सिर्फ सर के लेक्चर देखने का, प्रैक्टिस करने का, हैंड्स ऑन थोड़ा नॉलेज. सर बोलते थे ब्लॉग पढ़ो, डिफरेंट डिफरेंट साइट विजिट करो, उधर से आपका नॉलेज एक्सप्लोर करो, वैसा ही मैं करती थी. और खुद के नोट्स बनाती थी मैं, खुद का कंटेंट भी बनाती थी सर का, और सब ब्लॉग वगैरह मिक्स करके एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ ऐसा मेरा चल रहा था अगेन. तो फिर मैं इंटरव्यूज देती थी, तो फिर मुझ में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था, क्योंकि मैं स्टॉप नहीं रहती थी, स्टॉप किधर नहीं रहती थी. तो फिर मैं बहुत ऐसा मुझे अच्छा लगता था कि नहीं मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इंटरव्यू में. तो फिर स्टार्टिंग मेरी ग्रोथ मुझे एनालाइज हो रही थी कि प्रीवियस में कैसी थी और अभी मैं कैसी खुद को प्रेजेंट कर रही हूँ इंटरव्यू में. सो ऑटोमेटिकली मैं फेल्यूर भी जब भी हुई, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं अभी एक दिन तभी होने वाली, क्योंकि मुझ में बहुत अच्छा कंटेंट मुझ में और अच्छा कॉन्फिडेंस और खुद के मैं अच्छे प्रेजेंट कर रही थी. तो फिर मुझे मालूम ही था अभी नहीं, अभी तो होने वाला ही है, कभी ना कभी सक्सेस नियर बाय है मेरे पास. That's great. ऐसा मुझे खुद में कॉन्फिडेंस आया था. सक्सेस इज यू नो अराउंड द कॉर्नर, ये आपको पता था. सेल्फ डाउट के या फिर लो कॉन्फिडेंस के मोमेंट सबकी जर्नी में आते हैं. और कभी कभी लगता है कि ये पॉसिबल है भी क्या, है ना. और फिर वो थॉट प्रोसेस पूरी चेंज हो जाती है व्हेन वी एक्चुअली अचीव द सक्सेस. When you decide, it is 100% doable. Great, great to know that. एक idea या फिर एक advice, एक you know decision जिसने आपकी you know ये जो situation है वो पूरी 360 degree change कर दी. I'd like to know about that. मैंने तो डिसाइड ही कर लिया था, तो करना तो यही करना है. और सर हमको हर रोज मोटिवेट करते थे लेक्चर्स के दौरान, पुश करते थे हमको कि उसमें से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता था कि नहीं हो जाएगा, अच्छी जॉब मिलेगी ही मिलेगी. तो फिर खुद को ऐसा मोटिवेट रखना. और इस जर्नी के दौरान एक होता है कि खुद का कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं होना चाहिए. मीन्स हमारा कॉन्फिडेंस जब लो होता है तो फिर हम आपको मीन्स इंटरव्यू के सामने अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते. तो फिर एक ऐसा ही है कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल कब होती है, लेकिन खुद में कुछ परफॉर्मेंस के लिए कंटेंट हो और खुद प्रिपेयर हो तो भी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है. जो मेरे साथ हुआ, मेरा प्रीवियस मींस परफॉर्मेंस एंड नाउ टोटली चेंज्ड. ग्रेट. इस आपकी जर्नी में आपको सबसे बड़ा सपोर्ट किसका रहा? सपोर्ट एक था, एक फैमिली का भी सपोर्ट था और उसके साथ सर का सपोर्ट था. ग्रेट. सर के लेक्चर्स बस. अब जब यू आर ऑलरेडी यू नो सक्सेसफुल, यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री, अब आपको एक ऐसा स्किल जो रियलाइज हुआ है कि बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर प्रोफेशनल सक्सेस, वो कौन सा स्किल है? सॉफ्ट स्किल. यस, सॉफ्ट स्किल यही है कि हमको बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेंट्रेट होके वर्क में बहुत फोकस होना चाहिए. वर्क के साथ हम बहुत डेडिकेट होना चाहिए और बहुत इंसिस और सेंसिटिव रहना चाहिए हमारे वर्क के बारे में. और हम वो ये कि न्यू स्किल मींस लर्न करने के लिए हमारी अलवेज मींस हमको अलवेज ईगर होने चाहिए. यस यस, मीन्स ऑलवेज एंड तक हमको लर्निंग ही नहीं, मैं मुझको सब कुछ आता ऐसा नहीं है, लेकिन हमको एंड तक लर्न प्रोसेस में ही रहना चाहिए. सो बेसिकली यू हैव टू स्टे फोकस्ड, यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ एंड यू हैव टू कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ, राइट, एंड यू हैव टू बी एन इनक्विजिटिव लर्नर. सो दैट इज द की. ग्रेट ग्रेट. एक चीज जो बदल गई है आपकी लाइफ में आफ्टर यू गॉट द जॉब?
यस मीन्स बहुत अच्छा लगता है अभी प्रीवियस और अभी का सक्सेस, इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसा मैं खुद को ही बोलती हूँ कि नहीं मुझे मैंने जो हार्डवर्क किया उसके मुझे फुलफिल मिल गया है, उसके फ्रूट्स मुझे मिल गए अभी, यही उसको बहुत मैं सेटिस्फाई हो गई इस वजह से, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है और यू नो इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद के ऊपर बहुत ऐसा प्राउड फील होता है कि नहीं एक किया मैंने और उसका आउटपुट मुझे बहुत अच्छा मिला है, वो ही मुझे बहुत अच्छा लगता है आफ्टर गेटिंग माय सक्सेस। ग्रेट ग्रेट। एक चीज जो आपको प्रीमियम लर्निंग सिस्टम्स के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगी? वही कि सर कंसिस्टेंसी रखते थे पढ़ाने में, हमको अच्छा। कभी भी ऐसा कैप और कभी हॉलीडे नहीं, सर का पूरा दिन मींस शेड्यूल जैसा रहता था वही शेड्यूल सब अच्छी तरह से फॉलो होता था, टॉपिक वाइज हम एक एक नॉलेज और जर्नी के दौरान सर गाइडलाइंस देते थे कि ऐसा पढ़ो ऐसा प्रिपेयर रखो खुद को, एंड ऑल्सो वही मैं फॉलो करती थी, सर ने प्रोजेक्ट बोला था प्रोजेक्ट की भी मुझे बहुत हेल्प हुई, प्रोजेक्ट मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया, यस खुद इम्प्लीमेंट किया मैंने, तो इंटरव्यू में उसका भी बहुत एक हुआ कि नॉलेज बढ़ा मुझे प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करने के बाद, तो फिर वैसा ही है कि एक फ्लो के साथ हम आना चाहिए और सर ने जो बोला है वो बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट ही हो जाते हैं हम सर की सब ये सुन के। यस जो आपने रिपीटेडली कहा कि सर की बातों से आप मोटिवेट हो जाते थे, तो कोई बातें याद आती है आपको सर की जो आप यहाँ पे मेंशन करना चाहोगे कि यस आई स्टिल रिमेम्बर समथिंग दैट यू नो सर हैड सेड? यस वही सर बोलते थे कि पढ़ो करो और अच्छी तरह से मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, और मैं पूरा ट्रस्ट रखती थी कि नहीं यही फॉलो करना है मुझे, मैं सर बोलते थे कि आप मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, क्यों आपको खुद मीन्स आपको ऐसा लगता है यूट्यूब से पढ़ो और नहीं, तो फिर मैं नहीं बोलती थी कि नहीं ये बोला यही करना है हमको, बस ये ट्रस्ट मेरे में था। बिल्कुल बिल्कुल। These days, choosing the right mentor and choosing the right path has become even more difficult क्योंकि इतने सारे sources है information के, YouTube है, internet पे है, and we are not sure कि कौन सा trustworthy है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे situation में हम you know distract हो जाने के chances और ज्यादा होते हैं, so yes it is very important to trust the right person and then you know follow the path very consistently. Great, great. So, you talked about your experience with premium, you know, CAP program, how it has, you know, brought changes in your life. Abhi, how do you see your life ahead? Aage kya dekhte ho, Aditya? Aage yehi dekhti ho ki isme hi hard work karna hai aur isme bahut aage jana hai. Yehi mera dream hai. Bahut achhi recognition pe mujhe reach hona hai abhi in the future. Great, great, great. We wish you all the very best for you. और अदिति yes, let's say sir अभी आपसे मिलते हैं कभी, आप कहीं से गुजर रहे हो कहीं से जा रहे हो और अचानक सर दिखते हैं, so that would be for the first time you'll be seeing him face to face, right? Yes, yes. क्या कहोगे आप तब? मैं सर को यही कहूंगी कि सर आपने जो बोला वैसा मैंने किया सब कुछ और बहुत मुझे हेल्प हुई मेरे सक्सेस में, उससे मैं बहुत सर को थैंक यू बोलूंगी उस वक्त अच्छे एक मेंटर मिले, यस थैंक यू अदिति। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू, बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं एक मोटिवेशन एक इंस्पिरेशन और एक गाइड के तौर पे भी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड द सक्सेस दैट दे आर यू नो एस्पायरिंग फॉर, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? मैं वो ही बोलना चाह रही हूँ कि आपको पूरा पूरा हार्डवर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये सक्सेस के दौरान, बहुत प्रैक्टिस बहुत डेडिकेशन खुद के ऊपर भरोसा रखना, मीन्स नहीं मैं फेल्योर आया तो क्विज और स्टॉप नहीं होना चाहिए, मुझे भी बहुत सारे फेल्योर आए ऑब्स्टेकल आए लेकिन मैंने खुद को अगेन रिचार्ज चार्ज करती थी मैं खुद को और अगेन मैं आगे बढ़ती थी, नहीं वो ऐसा लगता था नहीं हो सकता है क्या बहुत निगेटिव सारे थॉट्स भी आते थे लेकिन वो निगेटिव थॉट्स में स्टक नहीं होना चाहिए, हमको साइड में रख के हमको पढ़ाई में फोकस करना चाहिए, हार्डवर्क बहुत अच्छा तरह से रखना चाहिए और डेली कंसिस्टेंसी हमारे वर्क में रहनी चाहिए, डेली कंसिस्टेंसी, कभी क्यों कभी कोई चांस हमारे लाइफ में आ जाए हम नहीं बता सकते, इसलिए हम ऑलवेज प्रिपेयर रहना ही मेरे
हिसाब से अच्छा है, बेटर रहता है। कभी भी हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमारे लाइफ में, हम नहीं कह सकते कि कब आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस हर एक के लाइफ में आता है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लेकिन हमें उसको अच्छी तरह से ग्रैप करना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी। सो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो, सो ऑलवेज डूइंग हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड खुद के ऊपर भरोसा रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर के गाइडलाइन फॉलो करना तो बेसिकली द एसेंस ऑफ आदिति's इंटरव्यू आई फील इज कि यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू चूज द राइट मेंटर, यू हैव टू चूज द राइट पाथ, यू नो, एंड यू हैव टू कंसिस्टेंटली एंड डेडिकेटेडली वॉक ऑन दैट पाथ। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग द सक्सेस आफ्टर दैट, राइट? यस यस। So that's great. Thank you, Aditi, for being here today with us. And we congratulate you on your success and we wish you all the very best for your future endeavors. Thank you. Thank you. It was great talking to you today. Yes, thank you.